नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। बीजेपी को देश की सत्ता से हटाने के लिए बिहार में शुक्रवार को महत्वपूर्ण विपक्षी एकता की बैठक होगी। इसमें 15 भाजपा विरोधी दल शामिल होंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 10 साल से अलग थलग पड़े यूपीए का नए सिरे से गठन किया जा सकता है। इसमें कई नए दल शामिल होंगे जिसका चेयरमैन गांधी परिवार या कांग्रेस से अलग नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। नए संयोजक के रूप में उनके नाम की घोषणा हो सकती है। नीतीश कुमार की बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारने के प्रस्ताव पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। सीट बंटवारे के फार्मूले के अलावा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रारूप पर चर्चा हो सकती है। अगर विपक्षी एकता की बैठक सफल होती है और सभी दल एक छतरी के नीचे आने को तैयार हो जाते हैं तब इसका सीधा असर 12 राज्यों की 328 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। इन 328 सीटों में अभी 128 विपक्षी पार्टियों और 165 बीजेपी के पास है। बाकी सीटें अन्य पार्टियों के पास है जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। विपक्षी एकता की इस बैठक में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली के 12 क्षत्रप शामिल हो रहे हैं। इनके पास लोकसभा की 90 सीटें हैं। इसमें मुख्य रूप से बिहार की जेडीयू के पास 16 सीटें, झारखंड के जेएम के पास 1 सीट,